हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये है वो लोकल स्टोर जिसके बारे में मैं अपनी वीडियो में बोलती ही रहती हूँ ना, कि मैंने अपने नियर बाय लोकल स्टोर से ख़रीदा है। जैसे मेरा जो तेल का कैन है, वो भी जो भी मेरे पास नए बर्तन होते हैं ना, लाइक मेरा कुकर कढ़ाई जो भी मैं लाती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मैं आपको उसका लिंक नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैंने अपने नियर बाय स्टोर से ख़रीदा है। तो यही वो स्टोर है जहाँ से मैं यूजुअली लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली किचन रिलेटेड सामान खरीदती हूँ। और मैंने ना आज एक नया तवा लाया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपने दिखाया नहीं। ये ऐसा तवा है, नॉन स्टिक ही है ये। ओके, मेरे पास लोहे का तवा ऑलरेडी एक है, ये मैंने नॉन स्टिक लिया है, ये प्रेस्टीज का है। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे तवास देखे थे जो मुझे थोड़े बहुत ठीक लगे। उसमें एक विनोद का था, देन आपका जो फ्यूचूरा हॉकिंस, देन आपका जो हॉकिंस होता है उसके भी होते हैं। और इस वक्त है ना वो होता है ना HA हार्ड एनोडाइज तावाज, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। बट द थिंग इज, इसमें है ना चिपकने का तो रहता ही है। आप सिर्फ रोटी पराठा कर रहे हो तो ओके है, बट देन आप चीला वगैरह करना चाहते हो ना तो वो उसमें चिपकता है। तो मुझे उस तरह का मतलब हार्ड एनोडाइज चाहिए ही नहीं था। मेरे पास उस तरह का है ही, जो मेरा लोहे का तवा है वो एग्जैक्टली सेम तरह से काम करता है। और पैन भी है, मतलब आई जस्ट वॉन्टेड टू बाय वन तवा, सो आई बॉट दिस तवा। और मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत अच्छा है, आई नो नॉन स्टिक अच्छा नहीं होता है, बट देन मैंने जितना भी अभी यूज़ किया है लोहे के तवे पे मैं रोटी बनाती हूँ, समवेयर आई वॉज़ फीलिंग कि मुझे ऐसा एक तवा का नीड है ही, तो आई जस्ट बॉट दिस तवा। ऑल्सो मैंने एक ये भी लिया है, ये होता है ना, कुछ लोग इसे पलटा बोलते हैं, कुछ लोग इसे खुंती बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा छोटा है। इससे एक बड़ा मेरे पास है, बट बड़ा हर बर्तन में अच्छे से काम नहीं करता, तो मैंने एक ये छोटा वाला लिया है। मेरा घी भी ख़त्म हो रखा था, तो जो मलाई थी जो मैंने स्टोर की हुई थी वो मैंने निकाल ली है। अभी यहाँ शाम की चाय कर रही हूँ। दिया बाती हमारा हो चुका है, बाहर का दिया मैंने लिट किया था और मंदिर वाला शर्मा जी ने, तो अभी चाय और घी साथ साथ मैं करने रख रही हूँ, साथ ही थोड़ा दूध भी उबाल रही हूँ। अभी चाय बन जाएगी, मीनवाइल घी तैयार हो जाएगा, बाकी गैस पे वो पकता रहेगा अपने आप। उसे थोड़ा वक्त लगता है, एकदम स्लो गैस पे मैं पकाती हूँ ना तो थोड़ा वक्त लगता है पकने में। तब तक हम लोग आराम से चाय पी लेंगे, थोड़ी बातें कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आके आराम से डिनर बना लेती हूँ। और आज तो मैं बहुत अच्छी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, गोभी की रेसिपी है। गोभी मुझे बहुत पसंद है, हर रेसिपी गोभी की मुझे अच्छी लगती है। और अभी तो गोभी जा रही है, तो मैं सोच रही थी एक बार फिर से कुछ अच्छा इसका रेसिपी मैं बना लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर कर लूँगी। तो रेसिपी में थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए घी बन भी गया, 5 से 7 मिनट लगते हैं बस। और ये जो अभी बटर सेपरेट हो गया है, बटर मिल्क से इसको निकाल लूँगी मैं, इसको पकने के लिए रख देंगे और ये अपने आप फटाफट से बन जाएगा। और जब तक मैं ये सब काम निपटा रही थी, सानवी खुशी उनके कराटे क्लासेस से वापस आ गए थे, तो दूध भी बॉईल हो चुका है, घी भी फटाफट से पक गया था। अब सानवी खुशी घर आ चुके हैं तो मैं उनको दूध दे दूंगी। हाँ, हमारा चाय तो हो चुका है बहुत पहले ही।
और अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो एक चीज़ जो पानी के बाद हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो बहुत ज़्यादा ठंडक देती है हमारे शरीर को, वो है छाछ। तो मैं छाछ का मसाला आज बना के रख रही हूँ, क्योंकि अभी छाछ थोड़ा फ्रीक्वेंटली बनेगी मेरे घर में। तो मैंने यहाँ पे अगर एक चम्मच जीरा लिया है तो आधा चम्मच धनिया, और धनिए से आधा सौंफ, और थोड़े काली मिर्ची के दाने यहाँ डाल दिए हैं। अभी ये सारी चीज़ें एकदम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल आराम से भूनना है। थोड़ा लाल लाल हो जाएगा जीरा, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए एक, मतलब एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, और इसके बाद ये सारी चीज़ें भून लीजिए। फ्लेम एकदम ही लो रखिएगा, वरना हींग काली काली हो जाएगी। थोड़ी देर इसे भूनते रहिए तो हींग भी थोड़ी लाल हो जाएगी, आप देख सकते हो ऐसी लाल हो जाएगी। तो इसमें मैंने जो मिंट लीव्स है ना, मैं ड्राई करके रखती हूँ स्टोर करके, ये भी डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे जिससे ये क्रिस्पी हो जाए, तो पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। सारी ही चीज़ें अच्छी तरह भुन चुकी हैं, लास्ट में मैंने जो मिंट लीव्स हैं वो डाले थे। और इसके बाद ये सारा ही मसाला एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए, इसे ठंडा हो जाने दीजिए, रूम टेम्परेचर आ जाएगा तो इसको पीसें दीजिएगा। मसाला काला काला नहीं हो, स्लो फ्लेम पे ही इसे भूनते रहिए। अच्छा क्रिस्पी लाल लाल हो जाएगा ना, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। तब तक आप इसे भून लीजिए, और ठंडा हो जाएगा तो ब्लेंडिंग जार के अंदर इसको डाल दीजिए। अब इसको पीसेंगे, बट पीसने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, वो है काला नमक, इसके अंदर ऐड करेंगे। ध्यान दीजिए, मसाला ठंडा हो तो ही इसे पीसिए, और अच्छी तरह पिस जाने के बाद आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। इसकी खुशबू भी इतनी माइंड ब्लोइंग है, और इसकी तासीर ठंडी होती है, ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। गर्मियों में पेट खराब होने की समस्या आम होती है, तो उसके लिए आप दिन में कम से कम 1 से 2 बार छाछ ज़रूर पिया कीजिए। और छाछ ही नहीं, दही को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दही नेचुरली तौर पे प्रोबायोटिक रिच होती है, तो वो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और जब भी आपको छाछ करना है, तो थोड़ा सा मसाला, आपको कितना मसाला पसंद आता है उस हिसाब से थोड़े दही में डाल के, कितना थिक या पतला आपको छाछ पसंद है उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। और ये हो चुका है बटर मिल्क तैयार, मसाला छाछ। बहुत अच्छी लगती है, रिफ्रेशिंग लगती है। गिव इट अ ट्राई, ये मसाला आपको पसंद आएगा। डिनर में बन रहा है ये वाला फूल गोभी का कोरमा, रेसिपी बहुत अमेजिंग है, आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल 2-1 प्याज हैं ये, कुछ 1 लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मैंने साफ करके रख लिया है। इन चारों चार चीज़ों को एक साथ ही एकदम फाइन पेस्ट के रूप में पीस लीजिए। और ये देखिए, ये फूल गोभी मैंने साफ करने के बाद ये गर्म पानी में नमक डाल के इसको डुबो दिया था। अभी गोभी जा रही है ना, क्योंकि तो इसमें कीड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और वैसे भी आपको गोभी को थोड़ी देर गर्म पानी में, नमक वाला जो गर्म पानी होता है, डाल के रखिए 4-5 मिनट, 10-1 मिनट मैक्सिमम। तो इससे इसके अंदर के कीड़े वगैरह, कुछ कलर्स हैं, कुछ स्मेल है, वो सब निकल जाता है। लुक एट द वाटर ना, ये क्लियर वाटर था, और अभी इसका कलर देखिए। तो अभी ये जो फूलगोभी के पीसेस है ना, इसे मैं निकाल लूँगी इसमें से, थोड़ा सा सूखा कर लेंगे, और फिर सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। कोरमा बनाएंगे पैन में, डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल, और जो गोभी प्रोसेस करके रखी थी वो डाल देंगे ऑयल के अंदर। थोड़ा सूखा सूखा कर लीजिएगा, वरना छींटे बहुत उड़ती हैं। और इसके बाद ये गोभी को फुल फ्लेम पे ही थोड़ा ऐसा लाल लाल होने तक आप फ्राई कर लीजिए। ये अभी पकी नहीं है, बस अच्छा लाल लाल इसको हमने भून लिया है। अब गोभी निकाल के रख लीजिए साइड में, और जो आपका पैन है ना, इसमें जो ऑयल रिमेनिंग है इसमें डालेंगे कुछ 1 खड़े मसाले, काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी और हरी इलायची, एंड देन जो प्याज के साथ मसाले पीस के रखे थे वो सारा मिक्सचर यहाँ पे डाल दीजिए। और अभी इसको पकने दीजिए। इसको पकने में थोड़ा वक्त लगता है, प्याज थोड़ी मोटी कटी होती है तो जल्दी पक जाती है, और जितना आप उसे फाइन काट लेते हैं, या अगर आप इस तरह प्योरी ही कर देते हैं, तो उसको बहुत वक्त लगता है। ये कुछ 8-10 काजू थे, ये मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे, अभी एकदम ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये काजू थोड़ा सा पानी डालकर एकदम ही दूध जैसा फाइन इसका पेस्ट बना लेंगे, दरदरा ना रहे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए प्याज का मसाला कितना ड्राई हो गया, अच्छा खासा टाइम लगा है इसे भुनने में, मैंने तो स्लो फ्लेम पे रख के छोड़ दिया था, पैरेलली बाकी काम कर रही थी मैं। अब ये भुन जाएगा, तो डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर यहाँ पे, और अच्छी तरह पहले इसको भून लीजिए।
जो मसाला भुनकर तैयार हुआ है इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, सादा लाल मिर्ची का पाउडर स्वाद के हिसाब से, और फिर ये सारी चीज़ों को भी मिला के अच्छी तरह भून लीजिए। कोरमा में हल्दी नहीं डलती है इसलिए मैंने हल्दी नहीं डाली है, ये ऐसे लाल लाल ही बनेगा। काजू वाला पेस्ट मैंने यहाँ ऐड कर दिया है और ये मसाला भूनते जाइए। काजू जैसे जैसे कुक होता जाएगा थिक होता जाएगा, चिपकता भी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे चला चला के भून लीजिए। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, चीनी मैंडेटरी है मीठा करने के लिए नहीं, कोरमा में जाती ही है, तो थोड़ी चीनी और थोड़ी कसूरी मेथी यहाँ मैंने ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला दीजिए और इसके बाद इसके अंदर डालिए फेटा हुआ दही 4 चम्मच। नॉर्मल घर का दही है ये और नॉर्मल घर वाली चम्मच से ही मैंने यहाँ ऐड किया है। दही आपने देखा थोड़ा थिक था, पतला दही होगा तो 5-1 चम्मच मिलाइए। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला दीजिए, दही जब तक उबाल ले ले तब तक इसे पकाइए। मीनवाइल 1 चम्मच मिल्क पाउडर में गर्म पानी डालकर दूध में तैयार कर रही हूँ। आप सादा दूध भी ले सकते हो, चाहे तो कोकोनट मिल्क भी ले सकते हो, ये मर्ज़ी आपकी है। ये मैंने 1 कटोरी जैसा मिल्क यहाँ रेडी कर लिया है, ये अभी बना कर रख लीजिए, इसकी ज़रूरत आगे होगी। और दही का मसाला जो है वो भुन रहा है स्लोली, देखिए अच्छी तरह भुन गया है, इसमें से जो कोरमा जैसा है वो रिलीज़ होने लगा है। बस इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद जो फ्राई किए हुए गोभी थे वो भी। अभी गोभी को ये मसाले के साथ भूनिए, कम से कम 2 मिनट अच्छी तरह से भूनिए। आप चाहें तो इसको ऐसा थिक भी बना के खा सकते हो, बट कोरमा है तो थोड़ा सा ग्रेवी स्टाइल में ये बनेगा। बाकी आपको ग्रेवी कम चाहिए ज़्यादा चाहिए ये आपकी मर्ज़ी है। 2 मिनट गोभी को ज़रूर भूनिएगा और इसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए वो दूध, और फिर कैसी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से और दूध या पानी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, नमक वगैरह यहाँ चेक कर लीजिएगा और इसको पकाइए कुछ 4 से 7 मिनट के लिए। इतने में गोभी आपकी बिल्कुल पक जाएगी। इसे पकाना तभी तक है जब तक आपकी गोभी एकदम सॉफ्ट पक जाए, बाकी ग्रेवी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाला है और एक हरी मिर्च, इसका कलर बिल्कुल ही लाइट है, ये बिल्कुल ही हल्की तीखी मिर्च है क्योंकि कोई खाएगा नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए मैंने डाली है, और कोरमा में इसका फ्रेश फ्लेवर भी अच्छा लगता है। धनिया मिर्ची डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए, टाइम टू सर्व। और ये आपका गोभी का कोरमा हो चुका है तैयार। ये बेसिकली एक बंगाली रेसिपी है जो थोड़ा मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, यू कैन गिव इट अ ट्राई, आपको भी ये पसंद आएगी। और सब्ज़ी हो गई रेडी, इसके साथ जाना तो चाहिए लूची। आइडियली बहुत जो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती है बंगाली, दे प्रेफर लूची विद इट, बट हम लोगों ने पूरी कल ही खाया था इसलिए मैं पूरी या लूची नहीं बना रही हूँ। सम अदर टाइम आई विल मेक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड बंगाली कॉम्बिनेशन। आज तो मैं रोटी कर रही हूँ, वैसे भी मेरा नया तवा आया है तो मुझे उसे यूज़ करने का एक्साइटमेंट है ही, तो मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। और मेरे तीनों शर्माज बैठ चुके हैं खाना खाने, एंड आई एम लविंग दिस तवा, अच्छी रोटियां बन रही हैं मेरी, बस ऐसा ही चाहिए। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दिखाई गई रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं, दोनों ही वर्थ ट्राइंग है। और छाछ का मसाला तो आप बना लो और भर के रख लो, पूरी गर्मियों आपको काम लगेगा। गर्मी में आम पाना, छाछ, नींबू पानी ये सब पीते ही रहा कीजिए, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो के साथ। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखने वाले हो, ओके बाय, टेक केयर।